dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 63 and we are going to talk about to remain be whole act with integrity talk to your stakeholders so when you talk to your stakeholders you have to clarify the expectations you have to set within yourself the priorities so that your time and your attention is more focused when we talk about stakeholder expectations, remember that being a leader, sometimes it's your time of trial, and you have to be careful in your trials. So to be a better leader and have a richer life, you have to continually practice the art of meaningful conversation with those you hope to inspire. Because Jabtak, ap, Logo Kesat, Saimamanome communicate paoge आपके बहुत से बैरियर्स दरम्यान में होंगे कम्युनिकेशन के बहुत सी नॉइज क्रिएट हो रही होगी कम्युनिकेशन के दौरान तो वो चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट का सबब बनेगी और आप इस काबिल नहीं हो पाओगे कि देर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्टेक होल्डर्स सो समाइम्स चेंज एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशन और उन एग्जिस्टिंग एक्सपेक्टेशन को तब्दील करने के लिए बी केयरफुल दैट यू शुड नॉट बी गोइंग टूवर्ड्स The compromises, you always have to go for adjustment, because compromise ke case mein you would always carry a regret, jabki adjustment mein aap regret nahi karte ho The example can be कि the compromise is like a spring, pressure पड़ने पर वो spring दब तो जाएगा, लेकिन मौका मिलते ही वो उसी ही force से expand करेगा। लेकिन अगर आप adjustment की बात करो, तो adjustment is like a string, string को आप कहीं पर भी मोड़ लो। वो मुड़ जाएगी लेकिन उसकी ताकत पर कभी भी कमी वो नहीं आएगी देयर फॉर रिमेंबर के लाइफ में कंप्रोमाइज की तरफ जाने की बजाय ट्राई टू मूव टूवर्ड्स एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट मैं कहता हूं म्यूचुअल गेन को एडजस्टमेंट मीन आप आपस में एक विन विन रिलेशनशिप वो बना सको द सेकेंड थिंग यू नीड टू लुक एट कि आप अपने स्टेक होल्डर के साथ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप वो कायम कर सको एंड यू ऑब्वियसली हैव टू एनहांस देयर सपोर्ट बिकॉज आपकी सपोर्ट उनके लिए और उनकी सपोर्ट आपके लिए वो बेहद जरूरी है और उस मकसद के लिए हो सकता है कि बाजूकात इवन हम अपनी को भी तब्दील करें इसी तरह दर्ड यू टू फोकस अपॉन इज शेयर एंड डायलॉग विद योर स्टेक होल्डर क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे जब तक आपस में तबादला ख्याल नहीं होगा तब तक क्लैरिटी वो नहीं आ पाएगी द फोर्थ थिंग इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ सो दैट बोथ दार्टीज सेल्फ एंड योर स्टेक होल्डर शुड बी नोइंग दरमियान में का जो अमल दखल है वो कितना है और कैसा है सो माई डियर स्टूडेंट्स रिमेम्बर वट यू गेन फ्रॉम स्टेक होल्डर डायलॉग इज नंबर वन दैट यू आर एबल टू कैलक्यूलेट द इम्पैक्ट कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी तवकुआत उनके साथ और उनकी आपके साथ उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है और किस तवको को पूरा करना आपके लिए सबसे जरूरी है

सो so, तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं उन सब का आपस में ताल्लुक और मामला वो बहुत क्लियर वो होना चाहिए क्योंकि जब तक आपस में क्लैरिटी नहीं होगी आपके लिए डिफिकल्ट होगा सिचुएशन को मैनेज करना डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि अपने स्टेक होल्डर्स के साथ हमें अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करनी है हमें उनके ख्याल को सुनना है और अपने ख्याल का इजहार वो करना है इस टू वे कम्युनिकेशन से हम बेहतर तौर पर अपनी क्रिएटिविटी इनोवेशन सेटिस्फैक्शन एंड हायर परफॉर्मेंस को अचीव वो कर पाएंगे थैंक यू